नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और सपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार अब्बास अंसारी के चुनाव लड़ने पर संशय सामने आ रहे हैं। आरोप है कि अब्बास अंसारी ने अपने हलफनामे में झूठी जानकारी दी है। छानबीन में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। दरअसल अब्बास अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस यानी कि आर्म्स लाइसेंस को लेकर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। उनके हलफनामे पर ही सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं और इस बार मुख्तार अंसारी ने अपनी जगह पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि मुख्तार बांदा जेल में बंद है और उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन ऐसे में अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगने के बाद उनके चुनाव लड़ने को लेकर आशंकाएं गहराने लगी हैं। वहीं अब्बास अंसारी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब्बास ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कराया है। मुख्तार अंसारी सीट से 5 बार विधायक चुने गए हैं। पर्चा दाखिल करने के साथ ही अब्बास अंसारी ने हलफनामा भी दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने लाइसेंसी असलहे को लेकर भी जानकारी दी थी। अब्बास अंसारी ने नई दिल्ली से आर्म्स लाइसेंस लिया था। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया है, जबकि तथ्य ये है कि अब्बास अंसारी का शस्त्र लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने निरस्त किया था। इसके अलावा अब्बास पर लखनऊ में महानगर थाने में FIR भी दर्ज है। फिलहाल STF इस मामले की जाँच कर रहा है। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर साल 2017 में घोसी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्हें भाजपा के फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। अब्बास अंसारी निशानेबाजी के शौकीन हैं। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास अलग अलग किस्म के असहले के अलावा करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति है। आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।